नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडीज़ सॉक्स का एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है, पहनकर पैर को बहुत आराम देता है, बनाना बहुत आसान है। आप देखिए, इसमें आप पहले अंगूठे की शेप देखिए, अंगूठे की शेप कितनी सुंदर आई है। पंजे की शेप भी देखिए, ऐसा लगता है जैसे सचमुच का अंदर पैर हो। और इसकी पीछे की शेप भी देखिए, इसमें आप एड़ी की शेप भी देखो, एड़ी की शेप कितनी सुंदर आई है बनकर। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। बनाना बहुत आसान है इसको, आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। लेडीज़ बूट बनाने के लिए हम सिलाई में 44 स्टिचेस डालेंगे और एक सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई बनाना शुरू करेंगे। उल्टी सिलाई बनाने के लिए हम पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से सिलाई के ऊपर बल डालते हुए हम दूसरा फंदा बुनेंगे और तीन फंदे और बुनेंगे, एक दो तीन, ये हमारे पांच स्टिचेस हैं, दो तीन चार पांच। तो अब हम धागा अपनी ओर करके उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे और तब तक बुनेंगे जब तक सेंटर का 22 फंदे पूरे नहीं हो जाते। हम सेंटर में एक मार्कर लगाएंगे, तब तक हम 22 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये हमने 22 फंदे बना लिए हैं, इसमें पट्टी के फंदे भी शामिल हैं और इधर भी 22 फंदे हैं, 22 स्टिचेस इधर हैं, 22 स्टिचेस इधर हैं। इसमें हम एक छोटा सा मार्कर लगा लेंगे, मैं रबड़ लगा लेती हूँ। और अब फिर से हम इधर के पांच फंदे छोड़कर सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, 17 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और पांच फंदे हम पट्टी के दोनों ओर से सीधे सीधे बनाएंगे। 17 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करके पांच फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, एक मैंने बना लिया है, चार फंदे और सीधे बनाएंगे। ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, दो तीन चार पांच। सिलाई को पलट लेंगे, जैसे हमने उधर से बनाया था वैसे ही हम इधर से बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे बिना बुने और दूसरा फंदा हम सिलाई पर बल डालकर बना लेंगे। इसके बाद तीन फंदे और सीधे बनाने हैं, एक दो तीन, टोटल फंदे पांच हो गए। ये हमारी पट्टी है। अब हम मार्कर से एक फंदा पहले तक, यानी 16 फंदे 16 स्टिचेस सीधे सीधे बुनेंगे। मार्कर से एक फंदा पहले का रह गया है। अब हम इसी फंदे के नीचे से धागा लेकर, जो हमने फंदा बनाया है इसी फंदे के नीचे से धागा लेकर सिलाई के पीछे से एक फंदा बढ़ा लेंगे। मार्कर से पहले का फंदा बुन लेंगे, मार्कर इस सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा हम और बुनेंगे और इसी फंदे का नीचे से धागा उठाकर एक फंदा हम पीछे से बुनेंगे। और इधर के भी हम 16 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और पांच फंदे पट्टी के, ये भी हमें सीधे बुनने हैं। तो ये सारी सिलाई हम आखिर तक सीधी बुनेंगे। आखिर का फंदा हमने बल डालकर बनाया था, तो इस बल को और इस फंदे को दोनों को इकट्ठा हमको बुनना है, फंदा हमें नहीं बढ़ाना। सिलाई पलट लेंगे,
फिर से हम एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा उतारेंगे बिना बुने, और आगे वाला फंदा हम सिलाई के ऊपर बल डालकर सीधा बनाएंगे। ये कसना नहीं है, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए बनाएंगे। एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो, तीन, चार, पांच धागा अपनी ओर करेंगे, और यहाँ के पांच फंदे छोड़कर सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। पांच फंदे के लिए धागा दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदे, पहले चार फंदे सीधे बनाएंगे, और अब इस बल को और इस फंदे को दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब हम पहले की तरह यहाँ से सीधा बुनते हुए मार्कर से एक फंदा पहले तक सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार कर उल्टा उतार लेंगे, बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, इस बल को टाइट नहीं करेंगे। ऐसे ही बनाते हुए मार्कर से एक फंदा पहले तक हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। मार्कर से एक फंदा पहले तक हमने बना लिया है। हमने 44 स्टिचेस लगाए थे पिछली बार, जब हमने दो स्टिचेस बनाए तो ये 46 स्टिचेस हो गए। अब हम फिर से दो स्टिचेस बनाएंगे। एक पहले वाले फंदे का नीचे से धागा ले लेंगे और इसको पीछे से एक फंदा बुनेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा हम फिर से बुनेंगे और इसी को पलटकर पीछे से एक फंदा बुनेंगे, और इस बार हमारे पास टोटल 48 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम ऐसा एक और बार करेंगे, पहले ये सिलाई पूरी बनाएंगे सीधी, फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर एक सिलाई सीधी दो फंदे बढ़ाते हुए फिर से बनाएंगे, तब हमारे पास टोटल स्टिचेस 50 हो जाएंगे, फिर हम उसके ऊपर का बनाना शुरू करेंगे। तीन बार हमने बढ़ा लिया है, तीन बार बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पर स्टिचेस 50 हो गए हैं, 50 स्टिचेस हैं। अब इसके ऊपर हम दोनों ओर से सीधे सीधे फंदे बनाते हुए तब तक लंबा करेंगे जब तक ये हमारे पैर की लंबाई पूरी नहीं हो जाती। पैर की लंबाई हम एड़ी से लेकर अंगूठे की कटाई तक नापेंगे, यहाँ से लेकर ये अंगूठे के कटिंग से लेकर कटाई से लेकर एड़ी तक नापेंगे हम। ये पूरे 7 इंच है, हम भी पूरे 7 इंच का ही बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने बनाया है, इसको हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं, ना तो इधर से नापेंगे ना इधर से नापेंगे, इसे हम यहाँ से नापेंगे। ये हमारा 7 इंच लंबा होना चाहिए, ये देखिए, ये पूरा 7 इंच लंबा है, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, पूरा 7 इंच लंबा है। ऐसे हमको दो पैर बनाने हैं, ऐसे हम दो पैर बनाएंगे। इसमें हम एक पैर का अंगूठा इधर से निकालेंगे और दूसरे पैर का अंगूठा हम इस ओर से निकालेंगे। ध्यान रहे, अगर हमने दोनों अंगूठे एक ही साइड से निकाल दिए तो ये हमारे एक ही साइड के पैर बनेंगे, दूसरी साइड के मोजा पैर नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, पहली बार हम राइट हैंड साइड से अंगूठा निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड से निकालेंगे, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं राइट हैंड साइड से निकाल रही हूँ, पहले वाले से लेकर उतार रही हूँ। इसके लिए हम अंगूठा, यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाने के लिए हम सिलाई को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से एक फंदा हम सीधा बना देंगे,
अंगूठे के लिए हमको 18 स्टिचेस की ज़रूरत है, 18 स्टिचेस प्लस एक ये साइड का 19। इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हम 19 स्टिचेस बनाएंगे। हमने बना लिए हैं। अब हम फिर से एक फंदा इस ओर भी बढ़ाएंगे। इस ओर फंदा बढ़ाने के लिए भी हम सिलाई के ऊपर धागे भी ले सकते हैं और यहाँ से भी हम एक फंदा बढ़ा सकते हैं। यहीं से बढ़ा लेंगे, यहाँ से नीचे का धागा लेकर, यहाँ से नीचे का धागा लेकर हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ये एक फंदा और ये एक फंदा, ये दोनों फंदे हमारे सिलाई में चले जाएंगे और अंगूठे के लिए 18 स्टिचेस रह जाएंगे। इसी तरह से अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब हमें किसी और से पट्टी के 5 फंदे सीधे नहीं रखने, इसी तरह से बनाते हुए आप 15 सिलाइयाँ बनाएंगे, 15 नीडल्स से बनाएंगे। आप अंगूठा अपने नाप से भी बना सकते हैं, कुछ लोगों का अंगूठा छोटा होता है तो वो सिलाइयाँ कम भी डाल सकते हैं। 2 सिलाई मैंने डाल ली है, 15 सिलाइयाँ अब मैं और डालूँगी। इस फंदे को भी हम उल्टा ही बुन लेंगे, फिर से हम सीधी सिलाई बनाएंगे और इसी तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हम 15 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये मैंने 15 की जगह 14 सिलाइयाँ बनाई हैं। 14 सिलाई बनाने के बाद अब हम अंगूठे को जोड़ेंगे। उसके लिए मैंने धागे को कैंची से काट कर सुई में डाल लिया है। अब हम यहाँ से एक एक फंदा जो है अपनी सुई में डालेंगे, उतारते चले जाएंगे। इसी तरह से एक एक फंदे को हम अपनी सुई में उतारेंगे, एक एक फंदे को करके उतारेंगे, नहीं तो दूसरे वाले फंदे के धागे आ जाएंगे। सारे फंदे हम उल्टे कर कर के उतारेंगे, सीधा नहीं उतारेंगे। सारे फंदे उतारने के बाद इस सुई को हम जोर से खींच देंगे, जोर से खींचेंगे और एक बार फिर से हम इन्हीं धागों से, ये देखिए, में हम धागे को अपनी सुई को एक बार फिर से घुमाएंगे ताकि हमारा जोड़ जो है वो पक्का हो जाए। इसी तरह से करते हुए एक एक फंदे के बीच में से हम सुई को फिर से घुमाएंगे। दो बार हमने घुमा लिया धागे को। अब हम यहाँ से अंगूठा सिलना शुरू कर देंगे और जो हमने एक फंदा दोनों ओर से बढ़ाया था वो फंदा हमारी सिलाई में आ जाएगा। यहाँ से हम दोनों ओर से एक एक धागा, एक एक चेन लेते हुए सिलना शुरू करेंगे। आमने सामने रखकर सीधा सीधा सिलेंगे। एक एक धागा दोनों ओर से लेंगे, एक एक धागा लेंगे और दोनों ओर से हम इसी तरीके से सिलना शुरू करेंगे। दोनों ओर से एक एक धागा लेकर सिलना शुरू किया था, बिल्कुल बराबर आया है। आप भी एक एक धागा लेकर सिलिए, कम ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल भी। और अंगूठा ऊपर से भी देखिए इसके कितनी सुंदर शेप आई है। अब हम पंजा बनाना शुरू करेंगे, इसे हम पक्का करके धागे को काट देंगे। ये पक्का करके हम काट देंगे।
और अब हम पंजा बनाना शुरू करेंगे। अब हम पंजे की साइड बनाएंगे। पंजे की साइड बनाने के लिए हमारे पास इधर 32 स्टिचेस हैं, टोटल 50 स्टिचेस थे जिसमें हमने 18 स्टिचेस अंगूठे में लगाए हैं। शेष हमारे पास 32 स्टिचेस थे उसमें मैंने आधे इधर किए, 16 इधर किए हैं और बीच में मैंने एक मार्कर लगाया है। इससे भी हम एक फंदा बढ़ाकर शुरू करेंगे। उसके लिए मैं एक फंदा ऐसे ही बना लूँगी उंगली के ऊपर। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम मार्कर से एक फंदा पहले तक बनाएंगे, फिर उसके आगे बनाना शुरू करेंगे। इस बार भी हमें बॉर्डर का कोई फंदे नहीं रखने, दोनों ओर से हमें सीधी सिलाई या उल्टी सिलाई ही बनानी है। ये हमने मार्कर से दो फंदे रह गए हैं, अब हम इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। मार्कर को हम निकाल देंगे, इस सिलाई पर डाल लेंगे और फिर से इस फंदे को उतार लेंगे। इससे भी अपनी इसी सिलाई पर उतार कर नीचे से सिलाई को लाकर दो फंदों का हम एक फंदा बुनेंगे और सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। सिलाई हमने सारी सीधी बना ली है, अब हम सिलाई पलटेंगे और इधर से भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, जो हमारा बाद में इधर से भी इधर का एक फंदा और इधर का एक फंदा बाद में सिलाई के काम आएगा। तो इधर का फंदा भी हम ऐसे घुमाएंगे सिलाई को, और एक फंदा हम इस बार हम ऐसे घुमाएंगे पीछे से लाएंगे और एक फंदा हम ऐसे यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हमें सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। दूसरी सिलाई भी हमने उस सारी उल्टी बना ली है, अब हम तीसरी सिलाई सीधी सीधी बनानी शुरू करेंगे और मार्कर से दो फंदे पहले तक हम सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। ये मार्कर तक हमने मार्कर से पहले दो फंदे रह गए हैं, अब इन दो फंदों का हम फिर से एक फंदा बना लेंगे। मार्कर अपनी सिलाई में पलट लेंगे, इन दो फंदों का पहले एक फंदा सीधा उतारेंगे, फिर से सीधा उतारेंगे और नीचे से सिलाई लाकर दो फंदों का एक फंदा हम सीधा सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई हम पहली सिलाई की तरह सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। चार सिलाई हमने बना ली है, अब हम फिर से पांचवी सिलाई बनाएंगे। दो फंदे यहाँ पर छोड़ने तक सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमको 12 सिलाई बनानी है, जिसमें से हर पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, इस तरह से हमको सिलाई के ऊपर दो फंदे बंद करने हैं दोनों ओर से, और उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी होगी। सिलाइयाँ हमने अंगूठे की भी 14 बनाई थी, इधर भी 14 बनाएंगे, लेकिन पहले 12 सिलाई बनाएंगे, फिर उसके बाद दो सिलाई हम बाद में बनाएंगे। चार सिलाई बना ली है, ये हमारी पांचवी सिलाई है। पांचवी सिलाई पर भी हम इसको ऐसे ही बंद करेंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे मार्कर, फिर से हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमको 12 सिलाई बनानी है और ध्यान ये रखना है कि मार्कर के दोनों ओर फंदे हमेशा बराबर होने चाहिए। हम गिनकर बनाएंगे तो फंदे कम ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे, कम ज़्यादा होने से जुराब की शेप खराब हो जाती है। तो अब हम 12 सिलाई तक बना लेते हैं। 12 सिलाई हमने बना ली हैं, तो 12 सिलाई में हमारे फंदे दोनों ओर से बराबर हैं,
यहाँ पे 16 फंदे इधर थे, 16 फंदे हमारे इधर थे, यहाँ से एक फंदा बढ़ाया था 17 फंदे, 6 फंदे हमने कम कर दिए हैं, 16 में से 6 गए 11, तो 11 फंदे इधर हैं, 11 फंदे इधर हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। आप भी हर बार गिन के बनाएं, फंदे हमेशा दोनों ओर से बराबर ही आएंगे। अब 13वीं सिलाई में हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, पीछे फंदे को इसके ऊपर हम पलट देंगे और हम पहले की तरह मार्कर से 2 फंदे पहले तक सीधी सिलाई बनाएंगे, 2 फंदे सीधे तक सीधी सिलाई बनाएंगे, मार्कर पलट लेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और सारी सिलाई हम सीधी बना देंगे। अब हम 14वीं सिलाई शुरू करने लगे हैं, उसके लिए भी पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पीछे का फंदा हम पलट लेंगे और आधी सिलाई बनाएंगे, मार्कर तक बनाएंगे, पूरी सिलाई हम नहीं बनाएंगे। मार्कर तक बनाने के बाद हम पंजे को बंद कर देंगे। ये मार्कर तक हमने बना लिया, मार्कर निकाल दिया, अब हम यहीं से इसको डबल कर लेंगे, ऐसे सीधी साइड अंदर कर लेंगे और उल्टी साइड हम बाहर कर लेंगे और फंदे गिन लेंगे कि फंदे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोनों सिलाई पर 9-9 फंदे हैं, अब हम इसको बंद कर देंगे। पहले ये फंदा लेंगे, फिर ये फंदा लेंगे, दोनों फंदों का हम एक फंदा करेंगे, फिर आगे वाला फंदा और इधर की सिलाई का फंदा लेंगे, फिर से इसको बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे, फिर से एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा हम इस सिलाई का लेंगे। इसी तरीके से हर बार दोनों सिलाई का एक एक फंदा लेते हुए बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पहले वाले फंदे पर पलट लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम सारे फंदे बंद करेंगे। सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, इसको भी हम पलट देंगे। धागे को काट देंगे और सुई में धागा डाल लेंगे। सुई में धागा डालकर इसे भी हम यहाँ से एक एक धागा लेकर आमने सामने सीधा सीधा रखकर सिलना शुरू करेंगे। एक एक धागा लेकर सिलना शुरू करेंगे तो नीचे से कमती बढ़ती नहीं होगा। इसी तरह से इसकी हम सिलाई बनाएंगे। दोनों ओर से हमने एक एक धागा लेकर बनाना शुरू किया था, सिलना शुरू किया था। अब देखिए बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ से भी हम एक एक धागा लेकर सिलाई करेंगे। हम यहाँ से इसके अंदर से एक धागा लेंगे, एक एक धागा लेकर दोनों ओर से सिलाई करेंगे। इधर से भी हम एक धागा लेंगे, इसी तरह से सिलाई करते हुए हम उतनी सिलाई करेंगे जितने में हमारा पैर अंदर आ जाए। दोनों ओर से मैंने एक एक धागा लेकर सिलाई करी है, आप देखिए ऊपर का जोड़ कितना सुंदर आया है बनकर। और यहाँ पर हम इसे इतना सा लगभग 1.5 इंच के करीब
हम इसे बंद करेंगे और ये हिस्सा हम खुला छोड़ेंगे पैड डालने के लिए, और पीछे की भी अब हम सिलाई कर देंगे। पैड डालने के लिए हम देख लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो थोड़ा सा खोल लेंगे, अगर ज़्यादा लगा, खुला लगा, तो थोड़ा सा और सिल देंगे। इसलिए अभी इस धागे को हम पक्का नहीं करेंगे, पहले हम पीछे की सिलाई लगाएंगे। पीछे की सिलाई भी हम यहाँ कोने से शुरू करेंगे, इधर से बनाकर हम दूसरी ओर लेकर जाएंगे। किनारे की सिलाई भी हम इधर से लेकर जाएंगे, यहाँ से हम इस तरफ लेकर जाएंगे। अगर इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ से छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। इसको भी हम एक फंदा इधर से सिलेंगे और एक फंदा हम इधर से सिलेंगे। और फिर से हम एक फंदा इधर से लेंगे और इसी तरह से एक फंदा हम इधर से लेंगे। ये देखिए, एक एक करके मैंने सिलते हुए दोनों ओर से सारा पक्का कर दिया है, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ से हमारी एड़ी की शेप बहुत सुंदर आती है, और यहाँ से भी आप देखिए अंगूठे की शेप और पंजे की शेप भी बहुत सुंदर आई है बनकर। यहाँ पर हमने 7 इंच के करीब बनाया था, जिसमें 29 लाइंस ऐसे वाली आई थी, ऐसे वाली, जिसमें से मैंने 20 लाइन छोड़कर यहाँ तक पक्का किया है, बाकी का आगे मैंने सिल दिया है। अब हम दूसरा पैर बनाएंगे। दूसरा पैर भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बस सिर्फ ध्यान इतना करना है कि उसमें पहले हमने अंगूठा बनाया था सीधी ओर से, सीधी ओर से हमने उसमें पहले अंगूठा बनाया था, इसमें हमने पहले पंजा बनाया है। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, उतनी सिलाइयाँ गिन के बनाएंगे, एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा उधर बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से कम किया, एक यहाँ से कम किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अंगूठा बनाया, अंगूठा बाद में बनाया है, उसमें पंजा बाद में बनाया था, इसमें अंगूठा बाद में बनाया है। इसे भी अब हम सिल देंगे, पीछे से सिल दिया है, और बिल्कुल सेम हमारे पास इसी तरीके का बूट बनेगा। अब मैं इसको पहना कर दिखाती हूँ। अब आप देखिए, बनने के बाद, पहनने के बाद इसकी शेप कितनी सुंदर आती है। देखिए आप इसकी अंगूठे की शेप, पंजे की शेप देखिए, और यहाँ से पीछे से एड़ी भी देखिए आप, एड़ी का नीचे का हिस्सा भी देखिए। एड़ी का यहाँ से 3 फंदे बढ़ाने के कारण एड़ी की शेप बहुत सुंदर आती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।